विवादित पुल ब्रिज के निर्माण की बातें की जाती है। एक बार फिर बिहार के भागलपुर जिले में बिहार सेतु बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नदी के ऊपर बनाया गया यह सेतु बिहार का सबसे लंबा नदी सेतु पुल होगा। जानकारी के लिए बता दें कि भागलपुर के बीरपुर वीरपुर के बीच कोसी नदी पर सूबे का सबसे लंबा फोर लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल भागलपुर के विक्रमशिला और सुल्तानगंज में बनाए गए पुल से भी लंबा होगा। अगर हम विक्रमशिला और सुल्तानगंज के पुल की लंबाई की बात करते हैं तो विक्रमशिला पुल की लंबाई 4.70 किलोमीटर है और सुल्तानगंज पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। इस पुल के निर्माण से दक्षिण और उत्तर बिहार के लोगों को काफी सहायता मिलेगी क्योंकि इससे उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। वहीं अगर इस पुल की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 28.918 किलोमीटर की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भागलपुर जिले में इस पुल के निर्माण का काम मुंबई की एफकॉन कंपनी को सौंपा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परियोजना के तहत इस पुल का निर्माण 6.94 किलोमीटर की लंबाई से कोसी नदी पर किया जा रहा है। वहीं पुल के दोनों ओर 21.988 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण करवाया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा 2024 तक रखा गया है। बताते चले कि इस पुल के निर्माण में कुल लागत 996 करोड़ की है। वहीं लंबे समय से विचाराधीन रहे NH-106 मिसिंग लिंक जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, भीपुर से फुलौत तक कोसी नदी पर बन रहे पुल का पाया हरिहर के त्रिमुहान खार तक बनाया जा रहा है। अगर हम इस पुल के निर्माण से होने वाले फायदे को देखें तो भीपुर से वीरपुर तक फोरलेन परियोजना के तहत बन रहे इस पुल से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं परियोजना में लगे एक्सपर्ट्स को इस पुल के निर्माण को लेकर कहना है कि इस पुल के निर्माण के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी में कमी आएगी और लोग बड़ी आसानी से परिवहन कर सकेंगे। इसके साथ ही फोरलेन के दोनों ओर 22 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।